अमदीप सर, बीएससी पर मीडियम टर्म के लिए क्या राय बनती है? बीएससी लिमिटेड बॉम्बे अगेन जनरल। ये भी सर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसका जो मेन सपोर्ट है दैट इज 620-600। जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा तब तक इसका स्ट्रक्चर करेक्शन तो है, डेली में तो करेक्शन है लेकिन वीकली मंथली स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं होगा। तो ये भी अपने लोअर एंड ऑफ द रेंज में है। काफी सारे स्टॉक्स आपको ये आपको बात करते करते काफी सारे स्टॉक्स ये दिख रहा है कि लोअर एंड ऑफ द रेंज में है। तो हो सकता है कि 15,000 अगर यहाँ से मार्केट में बाइंग आता है तो हो सकता है 15,700 एक बार के लिए होल्ड कर ले निफ्टी। तो इसको भी आप वॉचलिस्ट में रखिए। मुझे लगता है 730 का लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। 730 के ऊपर अगर ये क्लोज दे देगा डेली क्लोजिंग बेसिस पे तो मैं ये मान के चलूंगा कि इसने अपना जो करेक्शन है उसको खत्म किया है और अपसाइड में रिवर्स कर रहा है। या तो फिर लोअर एंड ऑफ द रेंज को टेस्ट करके वहां से अगर आपको स्ट्रॉन्ग रेट ऑफ चेंज देके जैसा मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग बार बनाएगा तभी मैं एंट्री लेने का सोचूंगा। लेकिन डेफिनेटली टाटा पावर बीएससी ये दो ऐसा स्टॉक यहाँ पर निकला है बात करते करते कि जिसको आपको वॉचलिस्ट में रखना चाहिए। और एक बार मार्केट करेक्शन खत्म करेगा तो इन इन सेट ऑफ स्टॉक्स को आपको येस बैंक को अपने बात यही कि आपको येस बैंक को अपने वॉचलिस्ट में नहीं रखना है। आपको अगर एंट्री लेना है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को एंट्री लेना है जो अपने ऑल टाइम हाई से पूरा बहुत करेक्शन हुआ है जहां पर टॉपिंग आउट फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो वो समझिए कि क्या कहना क्या जा रहे हैं अमनदीप जी। अमनदीप जी ये कह रहे हैं कि इन स्टॉक्स को, यानी जिनका कि फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, चार्ट भी स्ट्रांग है, सिर्फ बाजार के सेंटिमेंट के साथ में कमजोरी आई है, लेकिन ये कमजोरी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो नई एंट्री नई खरीदारी करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए बढ़िया मौका आएगा।